हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित मरीज को लेने पहुंची एम्बुलेंस पर लोगों ने पथराव कर दिया। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मी घायल हो गए। मुरादाबाद के मोहल्ले से पथराव की तस्वीरें भी आई। कुछ महिलाएं छत से स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ियों पर ईंटें फेंकती दिखी। कई पुलिस वाले हुए हैं घायल। इलाके में कड़ी सुरक्षा तैनात। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम मरकज जमात से जुड़े एक शख्स को क्वारंटीन करने गई थी, तभी हुआ था हमला। दिल्ली से देश भर में जमाती गए थे जिससे फैला है कोरोना। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए जमातियों की मुश्किल बढ़ी। अब जमात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया। मरकज से देश में कोरोना फैलाने के गुनहगार मौलाना साद को पकड़ने की तैयारी में दिल्ली पुलिस। कमरे की तलाशी ली गई, बेटों से भी हुई पूछताछ। यूपी के बरेली में महिला ने पुलिस के साथ मारपीट की। हॉटस्पॉट इलाके में जाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस ने रोका तो बवाल शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के सागर में लॉकडाउन के बीच दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया। बिहार के मोतिहारी में कोरोना पर जागरूक कर रही प्रशासन की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। पथराव भी हुआ, कई लोग घायल। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज करीब 3000 महाराष्ट्र में हैं। आज 100 से ज्यादा नए केस आए, जिनमें से 66 मुंबई से रिपोर्ट हुए हैं। एमपी के 52 में से 25 जिलों में कोरोना बीमारी फैली है। कम्युनिटी ट्रांसफर जैसा खतरा है। इंदौर और भोपाल में कई हॉटस्पॉट सील हैं। यूपी में कोरोना के करीब 700 मामले हैं, 5 मौत हुई हैं। कानपुर में तबलीगी जमातियों के संपर्क में आए कई मदरसा छात्र भी कोरोना पॉजिटिव निकले। दिल्ली में अब तक 55 से ज्यादा कोरोना हॉटस्पॉट इलाके सील हुए हैं। चिराग दिल्ली और खिड़की एक्सटेंशन से भी आए हैं कोरोना मरीजों के मामले। एबीपी न्यूज की खबर के बाद यमुना पुल के नीचे रह रहे बेघर लोगों की केजरीवाल सरकार ने मदद की। बस से शेल्टर होम भेजा। रैन बसेरे में आग लगने से बेघर हुए थे। बिहार में भी कोरोना की वजह से 4 जिले सील हैं। इन सील जिलों में अब कोरोना स्क्रीनिंग का काम शुरू हुआ है। कोरोना ने एक मां को दुधमोही बच्ची से किया दूर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एम्स में मां का इलाज जारी है। नर्स रख रही हैं उसके 2 महीने की बच्ची का ख्याल। देहरादून में लॉकडाउन का नियम लोग ना तोड़ें, इसलिए पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी पूरे शहर में तैनात किए गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉकडाउन के बीच भाईचारे की मिसाल दिखी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू महिला की अर्थी को दिया कंधा। महिला का परिवार दूर था। यूपी में केमिकल से सफाई जारी। गोरखपुर में दमकल विभाग की गाड़ियों ने रिहायशी इलाकों की इमारत साफ की। केरल सरकार ने हाउस बोट को कोरोना आइसोलेशन वार्ड में बदला। केरल घूमने आए सैलानी इन बोट हाउस में ठहरते थे। महाराष्ट्र के नागपुर में मेडिकल स्टोर में शराब बेचने का मामला सामने आया है। मिनरल वाटर के डिब्बों में मिली बियर की बोतलें, मामला दर्ज।